सभी को स्ट्रीट फूड्स बहुत ज्यादा पसंद है। गोलगप्पे, चाट, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा टेस्टी और यमी लगती हैं। और जैसे ही हम मार्केट में बाहर जाते हैं, हमें लगता है कि हम ये सब चीजें खा के ही लौटे। लेकिन आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि इनको कैसे बनाया जाता है, ये कितने ज्यादा अनहाइजीनिक होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि ये कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, कौन से मसाले यूज कर रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्ट्रीट फूड खा के आते हैं और हमारा जो स्टमक है वो बिल्कुल से अपसेट हो जाता है, काफी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। बहुत लोग तो बाहर का ऐसा खा खा के अपना पेट भी खराब कर लेते हैं। लेकिन हमें खाना बहुत पसंद है, तो इसका क्या ऑप्शन है? इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम ये सारे स्ट्रीट फूड्स अपने घर पे बनाएं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर में बनाए हुए गोलगप्पे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निपुणा और आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सबके लिए गोलगप्पे, एकदम यमी से स्ट्रीट स्टाइल में। और साथ ही वो होंगे बिल्कुल हेल्दी, क्योंकि उसे हम घर पे बना रहे हैं, मसाले हम घर पे सारी चीजें कर रहे हैं, सब कुछ होममेड होगा और बनेगा एकदम वैसे ही टेस्टी गोलगप्पे। और वो भी हम बनाने जा रहे हैं दही के गोलगप्पे। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये स्ट्रीट डिश घर पर। गोलगप्पा बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है उसका मेजरमेंट। और सबसे पहले आपको मैदा और साथ में सूजी का एक डो बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। तो आप जितना मैदा लेंगे उतना ही सूजी लेंगे। तो ये हमने ले ली एक कटोरी मैदा, और अब हम इसी कटोरी से मेजर करके सूजी लेंगे। ये हमने उतनी ही सूजी ले ली, पूरी एक कटोरी। अब इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है, और इसके साथ ही मैंने ले ली हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब इसको आप बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। आपको पानी बहुत हल्का हल्का मिलाना है, और जो डो बनेगा उसे आप ना तो बहुत टाइट करेंगे और ना ही वो बहुत नरम होगी। करीब आपको 2 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि इसमें सूजी है तो ये थोड़ा धीरे धीरे पानी सोक करेगा और थोड़ा थोड़ा स्वेल भी होता रहेगा। और साथ में हमने इसमें बेकिंग सोडा भी दिया है, जिस वजह से ये थोड़ा ज्यादा पानी लेगा। तो इसका हमें एक अच्छे से डो तैयार कर लेना है। इसमें आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इतना इतना पानी ऐड करते रहना है, और ऐड कर करके आपको ये डो कम से कम 5 मिनट तक गूंथना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा गूंथोगे उतना ही ये ज्यादा अच्छा होगा और उसके बाद ये फूलेगा। अगर आप इसे अच्छे से नहीं गूंदोगे तो ये फाइनली जब आप इसके गोलगप्पे बनाओगे तब ये नहीं फूलेगा। अब ये काफी हद तक गूंथ गया है, तो अब मैं इसमें ऊपर से हल्का सा तेल लगाऊंगी। तेल या घी आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, और उसके बाद इसको आप 1/2 आवर के लिए रेस्ट के लिए रख दोगे। चलिए बाकी की दूसरी चीजें कर लेते हैं। थोड़ा मसाला बना लेते हैं। तो सूखी कढ़ाई में एक लाल मिर्च, इसको आपको पहले थोड़ा सा भून लेना है। ये जो लाल मिर्च है ये आप स्वाद अनुसार दे सकते हो। अगर आपको ज्यादा तीखा खाना है तो आपको ज्यादा लाल मिर्च देनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें ये थोड़ा सा धनिया मैंने ऐड कर दिया। इसमें मैंने 2 टीस्पून जीरा और 2 टीस्पून धनिया ऐड कर दिया मिर्च के साथ, और मैं इसको हल्का सा भून लूंगी। एकदम सूखे में भून रही हूँ। आप इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहिएगा, वरना ये नीचे से एकदम जल जाएगा। ये जो हमारा भुना हुआ मिक्सचर है ये रेडी है। अब मैं इसे ठंडा करने दूंगी, और ठंडा करने के बाद हम इसको कूट के इसका पाउडर बना लेंगे। थोड़ा दरदरा पाउडर बनाएंगे, एकदम से पाउडर नहीं बनाएंगे। अब आपका जो ये मिक्सचर है ये बिल्कुल ठंडा हो गया होगा। आप इसको तभी कूटेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। तो चलिए इसे कूट लिया जाए। इसे आप ग्राइंडर में ही, हैंड ग्राइंडर में ही भी ग्राइंड कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगी कि मैं इसे हाथ से कूटूं, ताकि इसका जो वो टेस्ट है वो बरकरार रहे। ये देखिए, ये मसाला अब ऐसे पिस गया है, एकदम से पाउडर हो गया है। इसे हम निकाल के रख लेंगे। ये इमली जो है ये मैंने 1 घंटे पहले फुलो के रखी हुई थी, और अब मुझे इस इमली को पूरा मिक्स करना है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गुड़, बहुत ज्यादा नहीं, इतना सा गुड़ डाल रही हूँ। आप इसको स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ज्यादा मीठा चाहिए तो।
तो आप ज्यादा गुड़ डाल सकते हो। लेकिन ऐड करते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने जब इमली फुलाई थी तब हमने ऑलरेडी इसमें नमक डाल रखा था। तो ये मैं मिक्स कर ले रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। अब हम इसे अच्छे से स्ट्रेनर से छान लेंगे, इसको बहुत अच्छे से आपको छान लेना है, नहीं तो इमली का जो एकदम से छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो इसी में रह जाएंगे। हम दही के गोलगप्पे बनाने जा रहे हैं, इसी वजह से हम दही को सबसे पहले चीनी से फेटेंगे। एक कटोरी दही में मैंने करीब 2 टीस्पून चीनी मिलाया है और इसको बहुत ही अच्छे से आपको बीट करना है। और ये बीट आप हाथ से करना वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप मिक्सर में डालोगे तो मिक्सर में ना ये बहुत जल्दी पानी छोड़ देता है और चीनी इसकी बीट हो नहीं पाएगी। इस वजह से बेटर है कि आप इसको हाथ से ही बीट करो इस तरीके से। ये हमारी दही भी रेडी हो चुकी है और ये अच्छी से मीठी हो गई है। चीनी आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हो, कोशिश कीजिएगा थोड़ी कम चीनी रखने की वरना ये खट्टा मीठा सा नहीं बनेगा। मसाले के लिए आपको आलू बॉयल कर लेना है और उसको अच्छे से आपको मैश कर लेना है। आलू मैश करने के बाद अब इसमें मैं मिलाऊंगी नमक। आलू बॉयल करते हुए भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, इस वजह से मैं अभी सिर्फ एडजस्टमेंट्स कर रही हूँ मैं नमक से। हमने जो मसाला अभी बनाया था वो मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 छोटे आलू लिए थे इस वजह से मैंने सिर्फ 1 टीस्पून मसाला लिया है। ये जो मसाला है ये आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो, अगर आपको ज़्यादा चटपटा खाना है तो आप ज़्यादा मसाले ले सकते हो इसमें। ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसे हम इस साइड में कर देंगे। ये जो डो है जो हमने आधे घंटे पहले फुलाया था ये देखिए, अब हम इस डो को एक बार थोड़ा सा फिर से नीड कर लेंगे, अच्छे से थोड़ा सा गूंथ लेंगे फिर से। याद रखिएगा ये बहुत टाइट नहीं होना चाहिए और ना ही एकदम नरम होना चाहिए, एक मीडियम एडजस्टमेंट में ये डो होना चाहिए। अब इसकी हम लोई काट लेंगे, थोड़ी बड़ी लोई काट रहे हैं और ये ना तो मोटा होना चाहिए ये जो रोटी बनाओगे आप, और ना ही पतला होना चाहिए, एकदम इक्वल होना चाहिए। ये हमारी रोटी हो गई है तैयार और अब हम इसे कट कर रहे हैं। आपके घर में कुछ भी हो, कोई भी ढक्कन टाइप का हो, आप उससे इसको कट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपके पास कटर हो। तो ये मैं कट कर रही हूँ। और ये जो बाकी का है आटा आप उसको निकाल लीजिए अच्छे से, बहुत हल्के हाथों से निकालिएगा। ये हमने तलना शुरू कर दिया है, आपको एक एक करके डालना है और इसको ना आप थोड़ा ऐसे करते रहिएगा, एल्स वो बहुत अच्छे से वो पकेगा नहीं। हमारा यमी सा गोलगप्पा बन गया है, अब आप इसको एंजॉय कीजिए वो सारी चीजों के साथ जो आपने बनाई थी दही गोलगप्पे के लिए, जैसे कि आलू का जो डो बनाया था वो, प्लस इमली की चटनी, मीठी दही, जो मसाला था वो, और साथ में आप इसमें एड ऑन कीजिएगा थोड़ी सी धनिया की पत्ती और साथ में टोमेटो केचप, इन सबको आप इन गोलगप्पे में फिल कर सकते हैं और साथ ही आप इन गोलगप्पों को एंजॉय कीजिए। तो गाइस ये थी गोलगप्पे की रेसिपी एकदम घर पे बनाई हुई। अगर आप इसको पानी वाला बनाना चाहते हैं तो सिर्फ इमली पानी को आप बड़ा कर सकते हैं, ज्यादा पानी डाल के उसे और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, और साथ ही आप इसको दूसरे तरीके से पानी वाले गोलगप्पों के हिसाब से भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं आने वाले हफ्तों में और भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स लाने वाली हूँ जो कि आप घर पे ही बना सकते हो। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे रेड बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और साथ ही बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारे फूड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम आती रहे।
और अगर आपने मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो नहीं किया है तो मैं फेसबुक इंस्टाग्राम सारे प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल हूँ, आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए। सो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड विद अ न्यू काइंड ऑफ डिश। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय द ईटिंग।